जैसा कि आपने देखा, देश में दो बड़े बड़े ऐसी शर्मनाक घटनाएं जो हमारे बीच आपको देखने को मिली। सबसे पहले उन्नाव में एक रेप किया जाता है एक देश की बेटी के साथ। उसके बाद जब पिता मदद की गुहार लगाने पुलिस स्टेशन जाते हैं तो उस पिता को मदद की जगह पे मौत दे दी जाती है। और कुछ बीजेपी के दबंग एमएलए सहगल के साथी कुछ अंगूठा लेते हुए देखे जाते हैं। साथ ही साथ शर्मनाक घटना, शर्मसार कर दिया निर्भया हत्याकांड के बाद आपने देखा, आसिफा जम्मू कश्मीर की कठुआ जिले में रहने वाली एक 8 साल की मासूम बच्ची को, जिसका नाम जैसल है, वो मंदिर का सेवक है, वो सेवक उस बच्ची के साथ 8 दिन तक मंदिर में बलात्कार करता रहता है। उसके साथ उसका बेटा, एक पुलिस ऑफिसर और एक कोई वहां का डीजी, और उसके साथ उसका भांजा, ये सब लोग इन्वॉल्व। एक मासूम बच्ची का बलात्कार करने के बाद 8 दिन तक जहां पे पूरी दुनिया, देश के श्रद्धालु आते हैं, पूजा करते हैं, जो राम को मानते हैं, अगर राम भी आज होते तो वो भी शर्म से शर्मसार हो जाते और उनका सर शर्म से नीचे झुक जाता। दूसरी बात, आज आपने देखा, मैं एक वकील होने के नाते आपको ये चीज बताना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में जब पुलिस अपनी चार्जशीट तैयार करके कोर्ट में दाखिल करने जा रही थी तो कुछ ऐसे बिके हुए दलाल, मैं उन्हें दलाल कहना चाहूंगा, माफ करिए, मैं खुद एक लॉयर हूं, लेकिन ये देश की बेटी का सवाल है, ये देश की बेटी को बड़ी बर्बरता से मारा गया, रेप किया गया, टुकड़े उसके चेहरे पे पत्थर से कुचल दिया गया। मैं उन लॉयरों से पूछना चाहता हूं कि आपके घर बेटी नहीं, आपके घर मां नहीं, क्या आपके घर बहन नहीं? और शर्मसार करने वाली घटना, ये रेप करने वालों पहले ये तो सोच लेते, जो भारत माता के नारे लगाने वालों, पहले उस भारत माता को तुमने शर्मसार कर दिया, भारत माता की नजरें जमीन पे गिरा दी तुम लोगों ने, जिस मां ने तुम्हें जन्म दिया आज उसके ही चीरहरण कर दिया तुम लोगों ने, तुमसे बड़ा पापी कौन होगा? और एडवोकेटों से मैं कहना चाहूंगा कि हम जो काम अपनी निजी जिंदगी में करते हैं वो कीजिए, जो बार एसोसिएशन के तहत आते हैं वो कीजिए, लेकिन उसके चलते हुए आपने जो ये एक नया रूप दिखाया, वहां जय श्री राम के नारे लगा के आप विक्टिम की फैमिली को न्याय नहीं, हक नहीं, जबकि आप उस आरोपी की मदद कर रहे थे, क्या है, क्या आप भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर हैं? क्या आप भी आरएसएस और उन संघियों के साथी हैं जो रोज आए दिन कभी मुसलमानों को, कभी दलितों को, कभी हिंदुओं को, और कभी जैन, कभी मराठाओं को, सिख ईसाइयों को अपनी हवस का शिकार बना रहे हैं? ऐसे भेड़ियों को मैं तो यह कहना चाहूंगा, एक लॉयर होने के नाते से, एक लॉ की प्रणीति को आगे रखते हुए यह कहना चाहूंगा कि ऐसे लोगों को चौराहे पे लटका के मारना चाहिए और ये जनता उसे मारनी चाहिए। अगर ये कोर्ट में नहीं इनकी सुनवाई करने देंगे तो ऐसे लोगों को चौराहे पे लटका देना चाहिए। बड़ी शर्मसार घटना, 8 साल की बच्ची आसिफा जिसका नाम, उसे बड़ी बर्बरता से 8 दिन तक बेहोशी के इंजेक्शन दिए जाते हैं, बेहोश करने के बाद बलात्कार किया जाता है, और ऐसे अधेड़ उम्र के बुड्ढे, मैं ये कहना चाहूंगा, जो भारतीय जनता पार्टी का लीडर है और उसके साथ कुछ ऐसे संघी सोच रखने वाले उनके कार्यकर्ता, जो एक बच्ची की रेप करते हैं और बड़ी बर्बरता से उसका चेहरा कुचल देते हैं, उसके बाद ऐसे आरोपियों को आप जैसे लॉयर सपोर्ट करते हैं? बड़ी शर्मसार घटना, क्या आपके घर मां नहीं, क्या आपके घर बहन और बेटी नहीं? मैं आज एक लॉयर होने के नाते मैं खुद बोलूंगा, मैं हक के लिए, ये मैंने कोट हक के लिए पहना है, न्याय के लिए पहना है, ना कि टेररिस्टों को सपोर्ट, ना कि क्रिमिनलों को सपोर्ट, ना कि देश के फ्रॉड जो देश का पैसा लेके भाग रहे हैं ऐसों को सपोर्ट, मैं नहीं, मैं हक के साथ इस कोट को पहना था और मरने के बाद ही ये कोट उतारूंगा, ये याद रख लीजिए। मैं देखिए मेरे साथ युवा खड़े हैं और ये युवा कितने आक्रोश में हैं, ये बच्चों से पूछता हूँ, बताओ बेटा जो रेप हुआ क्या लगता है वो होना चाहिए और हुआ तो क्यों हुआ, और आप लोग की क्या राय है? उनको तो लटका देना चाहिए, फांसी पे लटका देना चाहिए, ऐसे बच्चियों के साथ ऐसा करते हो लोग, गलती है उनकी, समझना चाहिए। अगर आप कोर्ट में जाते हो, जैसे आप मुझे देख के मेरे पे भरोसा रख के आप कोर्ट में जाते हो और आपकी सुनवाई नहीं होती, तो आप उन वकीलों के लिए क्या कहना चाहोगे?
वकीलों को समझना चाहिए उनके घर में माँ बहन नहीं है क्या कि वो अपनी माँ बहन को छोड़ के दूसरे के ध्यान दे। क्या कहना चाहेंगे आप बोलो? वो तो फांसी दे देना चाहिए। आप क्या बोलना चाहोगे? फांसी देना चाहिए। क्या कहना चाहोगे आप बोलो? क्या करना चाहिए उसको? फांसी देना चाहिए। देखिए मेरे साथ आप आइए रिजवान जी, ये देखिए मेरे साथ एक समाज सेवक रिजवान जी हैं, आप ये बताइए कि ये जो हुई है दुर्घटना, आपको क्या लगता है इससे देश का मनोबल बढ़ रहा है या भारतीय जनता पार्टी का सर बहुत 56 इंच का सीना और फूल गया, या अब आरोपी इसी तरह बेखौफ बेडर से अब माँ बहनों का बलात्कार करेंगे? देखिए जो दुर्घटना है ये बहुत ही गंभीर दुर्घटना है, पूरे हिंदुस्तान में इसके ऊपर हर लोग हर जगह मोर्चे निकाल रहे हैं, हर जगह इस पर दुख जताया जा रहा है, इस पर तुरंत जल्द से जल्द कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि जो लोगों ने किया ये चारों पांचों आरोपी जल्दी अरेस्ट होकर इनको फांसी पर लटका देना चाहिए। बहुत ही गलत, बहुत दुर्घटना, बहुत बेकार घटना है। 8 साल की बच्ची जिसका नाम आसिफा है, पूरा देश आक्रोश में है। जब निर्भया हत्याकांड हुआ था तो ये बीजेपी के कार्यकर्ता ये कहते थे और ये रस्ते पे उतरते थे कि इनके खिलाफ ऐसे जजमेंट पास होने चाहिए कि फांसी लगवा दो और कोई फास्ट ट्रैक कोर्ट से ने फांसी लगनी चाहिए। लेकिन आज जब 8 साल की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार होता है, 8 दिन तक बर्बरता के साथ और उसके पत्थर से उसका मुंह कुचल दिया जाता है, उसके बाद बीजेपी का कोई नेता टीवी के सामने आके स्टेटमेंट देने के लायक नहीं है और कोई बीजेपी का नेता सामने आके ये पहल नहीं कर रहा है कि देश में जो ये बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है क्या उनके घर माँ बहन बेटियां नहीं? देखिए हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब इतनी बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, आज वो कहां पर है? एक भी उन्होंने ट्वीट नहीं किया, एक भी बयानबाजी नहीं की। हर पूरा हिंदुस्तान इस पे सदमे में गुजर रहा है, आसिफा इतनी छोटी बच्ची का रेप हुआ है, बहुत ही गलत बात है। और जब तक बीजेपी सरकार में नहीं थी बहुत बड़े बड़े मुद्दे अपोजिशन में बैठकर उठाती थी, हेमराज के एक सर के 10 सर लाने की बात करती थी, आज सुषमा स्वराज का है, गृह मंत्री का है, राजमंत्री का है, प्राइम मिनिस्टर जी का है, ये बहुत ही गलत है, बहुत बेबस, बहुत बेचार। दूसरी बात, जब उन्नाव रेप केस होता है, बेटी के साथ बलात्कार होता है, बाप अपनी दर्द अपनी बयान कर रहे पुलिस स्टेशन जाता है, वहां उसे मौत दे दी जाती है, लेकिन वो एमएलए दबंग एमएलए सहगल ये कहता है कि मेरा पुलिस कुछ नहीं कर सकती, उसे पुलिस सिक्योरिटी देती है, उसके बीवी बच्चे आके खड़े होते हैं सामने, अरे साहब अपने बीवी बच्चों की नजर कैसे मिला पाओगे ये तो बता दो, एक बेटी के साथ बलात्कार किया है और तू इतनी नीच हरकत कर सकता है? तूने तो भारत माँ के मान सम्मान को नीचे गिरा दिया और तूने तो ये भी भूल गया कि तुझे पैदा करने वाली एक माँ थी, जन्म देने वाली एक माँ थी, अरे उस 8 साल की मासूम बच्ची ने क्या बिगाड़ा था जिसके साथ बलात्कार करके उसे सरोसाम कर दिया, मुंह उसका कुचल दिया, 8 दिन तक उसमें पुलिस के आला अधिकारी, कुछ वहां के गवर्नमेंट अधिकारी, कुछ वहां के ऐसे बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मिलकर ऐसी दर्दनाक घटना को अंजाम दिया। मैं अपनी पूरी ताकत से मैं जरूर, मुझसे जो मदद लगेगी मैं अपने लॉ के माध्यम से उनकी मदद करूंगा और मैं सैल्यूट करता हूं उस महिला लॉयर का जिसने ये केस को अपने हाथ में लिया, और ऐसे नपुंसक लॉयरों का जो ऐसे जय श्री राम नारे देकर केस को डाइवर्ट कर रहे हैं। दोस्तों ये ना ही हिंदुओं का मसला है, ये ना मुसलमानों का मसला है, ये देश को शर्मसार करने वाली एक बहुत दर्दनाक घटना है जो घटी है, और इसके लिए सिर्फ एक जजमेंट पास होना चाहिए, फांसी, और इसके सिवा कुछ नहीं। कोई बेबस नहीं होगा, कोई लाचार नहीं होगा, जो आज तक हुआ है वो बार बार नहीं होगा, सरकार तुरंत फांसी दे, इस सजाए जिसने की है, ये मैं कसम खुदा की कहता हूँ, फिर बलात्कार नहीं होगा। दोस्तों बस ज्यादा ना कहते हुए आपसे अलविदा लेना चाहूंगा, आपकी जो राय है इसमें पोस्ट कीजिए, इसे शेयर कीजिए, दुनिया में जो ऐसे दबंग अपने आप को एमएलए एमपी नगर सेवक कह के लोगों को पैसा हत्या के माँ बहनों के ऊपर बुरी नजर डालते हैं, इन पे कार्रवाई कीजिए और ऐसे एमएलए एमपीओं को सदस्यता रद्द कीजिए, क्योंकि कानून में अनपढ़ों की गिनती नहीं, पढ़े लिखों को बनाइए आप लोग, और आप लोग इन्हें चुन के देते हैं ना। देखिए आज हमारी माँ बहनें बेटियां रस्ते पे सेफ नहीं है, ऐसे आरोपियों नोच नोच के खा रहे हैं बच्चियों को, माओं को, बहनों को, ऐसों के लिए बड़ी शर्मसार घटना, सिर्फ चौराहे पे लटका के। राज ठाकरे जी ने भी हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बीजेपी चाहती है 2019 से पहले हिंदू मुस्लिम दंगे कराए जाए और साथ ही साथ इस देश में राम मंदिर का विषय फिर लाए, लोगों को डाइवर्ट करें, एक दूसरों को मारे काटे, फिर भारतीय जनता पार्टी फिर से अपना राज करे। बस ज्यादा ना कहते हुए, लोग आप समझदार हैं,
आप इस बात को समझेंगे। मेरी अगर राय अच्छी लगे तो ये मैसेज आगे फॉरवर्ड कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय भीम।